हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित टीवी शो क्राइम इंडिया की शूटिंग दिखा रहे हैं। क्राइम इंडिया के इस एपिसोड की कहानी रघुनाथ और उसके परिवार की है, जो आज से 10 साल पहले अखबारों की सुर्खियों में छाई रही। 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्राइम इंडिया के नए शो में। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और रहस्य से भरी है। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई इस बंगलों से। यहाँ रहते थे मिस्टर रघुनाथ अपने परिवार के साथ, एक खुश परिवार। फिर सारी खुशियाँ एक पल में छिन गईं। 10 साल पहले इसी दरवाजे से रघुनाथ की 21 साल की बेटी अपने घर प्रवेश करती है, जहाँ उसे अपने पिता का सामना करना पड़ता है, जो थोड़े गुस्से में थे क्योंकि जूही अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लेट वापस आई। पिता की प्रताड़ सुनते ही जूही अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि पार्टियों में तो अक्सर देर हो सकती है, उसमें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। रघुनाथ अपनी बेटी की बात सुनते ही चिल्लाने लगते हैं। जूही पिता का डर सह नहीं पाती, वो अपनी भरी आंखों से अपनी कमरे की तरफ भागती है। कमरा बंद किए बिना खाए पिए जूही सो जाती है। इसका हम नाट्य रूपांतरण करते हैं। मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पापा। ये क्या, घर में कोई नहीं है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता है। मम्मी, मम्मी, पापा, ये क्या, यहाँ पर भी कोई नहीं है, कहीं बेडरूम में तो नहीं है? मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, ये क्या, कहाँ गए सबके सब? मम्मी, मम्मी, आप यहाँ पर हो, मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है? मम्मी, मम्मी, ये क्या, पानी का नल खुला छोड़ के? मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करती। मम्मी, पापा, राहुल, 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 अरे राहुल को स्कूल छोड़ने गई होगी मम्मी। राहुल का स्कूल बैग, मतलब मम्मी राहुल को स्कूल छोड़ने गई? राहुल भी नहीं है। मम्मी, पापा, पापा की गाड़ी, पापा की गाड़ी तो यही है, पापा तो ऐसा नहीं करते कभी। पापा। उस दिन से आज तक जूही को अपने माता पिता और भाई के बारे में कोई खबर नहीं मिली। कहाँ खो गए वो तीनों? लेकिन जूही अपनी आखिरी याद अब तक नहीं भूल पाई है, अपनी मम्मी की पिंक साड़ी और पापा के स्टाइलिश हैट को जो उन्होंने आखिरी दिन में पहना था, वो आज तक नहीं भूल पाई है। Just stop this nonsense. आप लोग किसी को चैन से जीने देंगे या नहीं? प्लीज मैम, आप प्लीज रुकिए। शट अप। और आप मेरे घर आए कैसे? परमिशन ली है मैम। टू हेल विद योर परमिशन। लोग मेरी जिंदगी को टेलीविजन शो का तमाशा समझते हैं, किसी के भी दर्द को स्टोरी बना देंगे। जिस घर से मेरी यादें जुड़ी है, आप उन्हीं यादों को एक्सपोज करेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। जस्ट गो फ्रॉम हियर, चाहिए। ट्रस्ट मी मैम, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये तो आपके लिए अच्छा ही है कि हो सकता है कि शो के बाद आपको नए फोन कॉल्स आए
कि आपके मिसिंग पेरेंट्स मिल गए हैं? प्लीज मुझे और लालच मत दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाथ में। I said just go from here. सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप गलत ना समझे हमें, हम पूरे मसले को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। सर समझाइए मैम को प्लीज। समझाइए क्या कर रही है? तुम लोग जाते हो यहाँ से या मैं अपनी जान लूं? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम मुझे, आज अपनी जान लेके निकलो। उदय, उदय, कितना खून निकल रही है। पैक अप, पैक अप, चलो 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 इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। चल चल बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। छोड़ो आराम आराम, इतनी फिकर करती हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखो, मरने मारने पर उतर आई उस वक्त। तो फिर क्या करती? वो लोग मेरे घर वालों की इज्जत के साथ खेलवाड़ कर रहे थे, मेरे जख्म को रेत रहे थे, मेरे इमोशंस को कभी समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं समझता मैं तुम्हारे इमोशंस। जूही, मैंने ही कहा था बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, जिस तरह से तुमने इस दुख को समेटा और जिंदगी को फिर राह पर ले आई, कोई और होता कब का टूट जाता। तुम जैसा हम सफर बहुत नसीब से मिलता है। और तुम जैसा हस्बैंड भी हर लड़की को नहीं मिलता। इसी बात पर दूध नहीं ग्रीन टी हो जाए। ठीक है बैठो, मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ जूही? आपको क्यों लगता है कि ये हैट आपके पापा का है? कोई निशानी, कोई पहचान? ये उनका फेवरेट हैट था, मैंने बचपन से उन्हें यही हैट पहनते देखा था। देखिए जूही जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ये हैट आपके पापा का है, कोई खास दूसरी पहचान, कुछ भी। उदय, इन्हें पापा के वो सारे फोटोज दिखाओ जिनमें उन्होंने यही हैट पहना था। मैं पापा से कई बार कहती थी कि ये हैट पुराना हो गया है, इसे फेंक दो। पापा कहते थे मेरा सर भी पुराना हो गया है, उसे भी फेंक दूं क्या? जूही जी, इसे देख के तो ये जाहिर नहीं होता कि ये हैट यही वाला है। हाँ, ये जरूर पता लगता है कि ये हैट भी इस जैसा ही है। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? एक काम करो, जरा आप घर के खिड़की दरवाजे चेक करो। जी सर। जूही जी, आप जो कह रही हैं वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये हैट यहाँ पे आया कैसे? अपने आप तो नहीं आया। जी सर, किसी ने तो इसे यहां रखा ही है। आपको किसी पे शक? नहीं सर, पीछे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है सर। इसका मतलब जो भी अंदर आया उसके पास मेन डोर की चाबी थी। जूही जी, आपने अपने घर की चाबी किसी और को भी दी है क्या? नहीं तो। हाँ, मुझे याद आया, एक्चुअली कुछ दिन पहले शॉपिंग आर्केड में मेरा पर्स चोरी हो गया था, घर की चाबियां भी उसी में थी। बड़ी लंबी प्लानिंग की गई है, लेकिन 10 साल बाद ये हैट यहां रखने का क्या मतलब हो सकता है? पूरा का पूरा परिवार गायब होता और किसी को भी पता नहीं चलता, ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? सर, पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि ना किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही कोई गोली चलने की आवाज सुनी। सर, जब ये हुआ तब जूही अपने ऊपर वाले बेडरूम में सो रही थी और बाकी के परिवार के लोग नीचे थे, तो अगर शोर शराबा होता तो जूही को जरूर सुनाई देता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
अच्छा, इस वॉचमैन का क्या कहना है? सर, उसने बताया कि उसने ना किसी ऐसे आदमी को और ना ही ऐसी किसी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा। सर, यहाँ तक कि उसने रघुनाथ जी की फैमिली को भी उस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। सर, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि घर में जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान भी नहीं मिला था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब घर के सारे लोग गायब है तो ये जूही कैसे बच गई? वही तो, जूही को क्यों छोड़ा? सर, हो सकता है उसे जानबूझकर किडनैप नहीं किया गया, ये भी कोई साजिश हो। अच्छा, उस हैट पर से कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ सर, उस हैट पे 5 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं, 2 तो जूही और उसके हस्बैंड के हैं, बाकी के मैच नहीं हुए। जूही और उसके पति के उंगलियों के निशान, हो सकता है 10 साल बाद जब अपने पिता की हैट देखी तो दोनों ने उठाई होगी। सर, अखबार की एक कटिंग में लिखा था कि रघुनाथ जी के एक भाई हैं हिमांशु, जिनसे उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था। और बाद में हिमांशु ने जूही से कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स लौटाने के लिए कहा था। सर, इस हिमांशु के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर, एक और बात पता चली है। क्या? सर, जब हम इस केस के फाइल्स लेने गए तो वहां से पता चला कि ये फाइल्स इंस्पेक्टर विजय भी 2-3 दिन पहले लेकर गए थे। इंस्पेक्टर विजय? दया, इंस्पेक्टर विजय तो रिटायर हो चुका है, और फिर भी उसे इस केस में दिलचस्पी क्यों? रिटायरमेंट के बाद में तो केस छोड़ देना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो रघुनाथ जी का केस सॉल्व होगा या तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय डिसॉल्व होगा। ये मेरी भी जिद है, और रंजीत, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया हूं, किसी भी दिन कमिश्नर के पास पहुंच सकता हूं। सर्विस के दौरान 99 केस और रिटायरमेंट के बाद ये पहला केस, यानी हो गए पूरे 100। रंजीत, मैं बाद में फोन करता हूं, मैं देख के आता हूं क्या गिरा है। इंस्पेक्टर विजय, शायद तू भूल गया है कि अभी तू इंस्पेक्टर नहीं है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हो गया है। बस अब तेरी कहानी खत्म। कौन हो तुम? बहुत ठोका था ना मुझे, अभी तक मेरी हड्डियां बोलती हैं। बस अब बस, चार्जशीट भूल जा, फाइल भूल जा। क्यों दबे हुए केस को हवा दे रहा है? बंद कर दे वो केस, बंद कर दे। रघुनाथ भाई साहब को गुजरे तो तकरीबन 10 साल हो गए, और अब तो सिर्फ उनकी यादें हैं। हम जानते हैं जो भी हुआ, लेकिन उनके केस के बारे में कुछ नई बातें सामने आई हैं, तो सोचा क्यों ना आपसे ही पूछ लें। नई बातें आप लोगों को पता चली है और आप पूछना मुझसे चाहते हैं? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। मैं टेंशन में नहीं, तो दरअसल भाई साहब को गुजरे इतने साल हो गए और आज आप लोग आए भाई साहब के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। चलिए, उनके बारे में नहीं तो आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। कल दोपहर में कहाँ थे आप? कल ऑफिस में था। ऑफिस? रियली? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? आप कल 12-3 बजे तक ऑफिस में ही थे। एक्चुअली मैं लंच आवर्स में घर आता हूँ, 2-3 घंटा रेस्ट करने के लिए। आपके घर का एड्रेस 54 गुलमोहर रोड है ना? जी नहीं। लेकिन आपकी कार कल उस वक्त
उसी बंगले के सामने खड़ी थी। उफ, मेरी याददाश्त। दरअसल मैं सठियाने लगा हूं। मैं कल रुक गया था एक दोस्त के यहां, वो भी वही गुलमोहर में ही रहते हैं। मिस्टर हिमांशु जी झूठ बोल रहे हैं। वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं बल्कि आपकी भतीजी जूही रहती है, समझे आप? इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आप जूही से मिलने गए थे उसके घर। हाँ, मुझे उससे कुछ काम था। काम था ने? हाँ, फिर आप उससे मिले क्यों नहीं? बल्कि आप तो छिपते छिपाते उसके घर गए, उसके किचन के प्लेटफॉर्म पे उसके पिता रघुनाथ जी की हैट रखी और बड़े आराम से वहां से निकल गए। क्यों? हैट? कौन सा हैट? मिस्टर हिमांशु, आपको लगता है कि आप ऐसी गोल गोल बातें करके सीआईडी से बच सकते हैं? कसम से, ना तो मैं भाई साहब की किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही उनके लापता होने के बारे में। हिमांशु जी, ये क्या है? बॉन्ड्स है, मेरे ही है, यही चुराने गया था मैं वहां। बॉन्ड्स? हिमांशु जी, आप अपने ही बॉन्ड्स चुराने गए थे? मिस्टर हिमांशु, आप क्या बचपन से ही ऐसी बेफिजूल की पहेलियां बुझाते रहते हैं? पहेली नहीं, सच कह रहा हूं। मैंने और भाई साहब ने मिलकर इन्वेस्ट किया था इनमें, लाखों के हैं। भाई साहब लापता हो गया और जूही कब्जा करके बैठ गई, दे ही नहीं रही थी, क्या करता, अपनी ही चीज चुरानी पड़ी। मानशु जी, चलिए मान लिया एक पल के लिए कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच ही कह रहा हूं। लेकिन एक बात आप लोगों को बोलना भूल गया, जैसे ही मैं बॉन्ड्स लेकर वहां से निकल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं घबरा कर छुप गया, मुझे लगा कि शायद उदय या जूही होंगे, लेकिन कोई और ही था। कौन था? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, सिर्फ पीठ ही देख पाया, लेकिन इतना तो तय है कि वो उदय नहीं था, क्योंकि वो उदय से काफी लंबा और तगड़ा था। बाल लंबे थे, जैकेट पहन रखी थी और शायद जींस थी। अच्छा, और कोई खास बात याद है आपको? कोई खासियत जैसे उसे भीड़ में देखे तो पहचान लें? हाँ, उसके शूज क्रोकोडाइल लेदर के थे। क्रोकोडाइल लेदर? विजय सर, सर, सर दरवाजे में से धुआं आ रहा है सर। माय गॉड, दुष्यंत दरवाजा खोलो। विजय, 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 पेपर जल रहा है, जल्दी से बुझा दे। यस सर। विजय, विजय सर, क्या हुआ पंकज? ओह माय गॉड, विजय, सर, सर ये मर चुके। सिर पर वार किया है, गोली भी चली है सीने में। सर, दो दो गोलियां लगी हैं। माय गॉड, पंकज पलटो इन्हें।
सर ये कैसे हो सकता है सर? विजय जी इतने सीनियर और एक्सपीरियंस ऑफिसर है, फिर इन्हें इन्हीं के घर में गोली मार दी? जिसने भी ये किया है पंकज, तो खिड़की का शीशा तोड़ा, बोल्ट नीचे किया, खिड़की खोलकर अंदर आके यहाँ चुप कर बैठा होगा। शायद आवाज सुनकर विजय इस कमरे में आया तो उसने विजय के सिर पर वार किया और फिर दो गोलियां भी डाल दी। सर लगता है कि खूनी और विजय जी की कोई पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मौका मिलते ही इन्हें मार डाला। ये भी तो हो सकता है ना दुष्यंत, कि विजय किसी मुजरिम के लिए खतरा बन गया था, शायद उसी ने किया हो। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह, एक एक कोना छानो, और पंकज कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ढूंढो अच्छी तरह। सर हाँ, ये देखिए रघुनाथ जी की केस फाइल, लेकिन इसमें कोई पेपर नहीं है सर, बाकी सब केस फाइल के पेपर्स हैं। ये देखिए सर, सब में पेपर्स हैं सिवाय इसके। तो भी दुष्यंत इसका एक ही मतलब है, इसके अंदर जो पेपर थे वो वहां जलाए जा रहे थे। सर कोई नहीं चाहता था कि रघुनाथ के केस के बारे में हमें कुछ पता चले। सर हाँ सर, विजय जी का मोबाइल मिला और आखिरी कॉल उन्होंने किसी अनुज को किया था। तो फोन करो इस अनुज को। हेलो अनुज कुल्फी वाले, अरे यार मैंने 10 कार्टन मलाई कुल्फी बोल दी, क्या हुआ अभी तक भिजवाई क्यों नहीं? क्या कुल्फी वाले नहीं हो? तो फिर कौन हो तुम? मॉडल? मॉडल है मॉडल अनुज, मॉडल और पुलिस वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन ये है कि आज से 3 साल पहले तक जूही मेरी गर्लफ्रेंड थी और 10 साल पहले जूही का पूरा परिवार गायब हो गया था, और इंस्पेक्टर विजय को यह लगता था कि शायद मैं उनके गायब होने के बारे में उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर विजय को? कुछ नहीं सर, मैंने उन्हें वही कहा जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं पता पंकज? अरे ये किधर जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारे घर की तलाशी ले रहे हैं। अच्छा अनुज ये बताओ कि जूही के घर से उसके पिता की हैट मिली है, इतने दिनों बाद वो हैट वहां कैसे आई? सर मैं आपसे सच कह रहा हूं, ना तो मैं किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही किसी गायब हुए परिवार के बारे में। अनुज तुम्हारे और जूही के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? चलो ठीक है, तब बताओ कल दोपहर को कहां थे तुम? कल मैं अपने एक फ्रेंड के एग्जीबिशन की ओपनिंग में गया था। फ्रेंड के एग्जीबिशन की ओपनिंग में गए थे? अच्छा सर, सर इसके घर में तो कुछ नहीं मिला और वो जूते भी नहीं जिसके बारे में हिमांशु ने हमें बताया था। अनुज तुम होशियार बनने की बहुत कोशिश करते हो मगर हो नहीं। फिर से मुलाकात होगी। तो समझ में नहीं आ रहा ये आदमी चाहता क्या है, जो एक तरफ वो जूही के घर में हैट रखता है और दूसरी तरफ विजय को मारकर केस के फाइल्स पेपर्स और फोटोज मिटा देता है, क्यों? यार लगता है उसे पता चल गया था कि विजय जल्दी अपराधी को पकड़ने वाला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने रघुनाथ की हैट जूही के घर में क्यों रखी? क्या क्या सोच रहा है वो? कोई ना कोई चाल तो जरूर है दया, इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो है। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है सर। इसे विजय के काम करने के तरीके को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी नहीं रखता, इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग कड़ियां वो अलग अलग जगह पर रखता था। सर विजय के सारे रिलेटिव से पता किया, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसके मोबाइल से कुछ पता चला? नहीं सर कुछ पता नहीं चला। वे देखना पड़ेगा मौत के कुछ दिन पहले विजय कहां कहां गया था, किस किस से मिला था। सर इंस्पेक्टर विजय के घर पे हमें जो जले हुए कागज के टुकड़े मिले थे
उनमें से ये टुकड़ा आधा जला हुआ है और इस पर नवदीप गराज लिखा हुआ है। नवदीप गराज? देख, विजय ने ये नाम ऐसे नहीं लिखा है। जरूर इस गराज का इस रघुनाथ के केस से गहरा संबंध है। जरूर कोई ना कोई गहरा संबंध है। विजय सर, हाल ही में एक सेकंड हैंड कार के बारे में पूछने आए थे। सेकंड हैंड कार? जी हाँ, एक व्हाइट कलर की सेडान कार बेची थी 10 साल पहले। विजय सर उसी के बारे में पूछने आए थे। उस गाड़ी के कोई रिकॉर्ड या पेपर्स होंगे आपके पास? जरूर सर, हम रिकॉर्ड हमेशा पक्का रखते हैं। गाड़ियों का मामला है, क्या पता कब कोई चोरी की निकल आए। शेखर, वो जरा गाड़ियों की सेल डिटेल की फाइल लेके आना। याद है ये गाड़ी किसने खरीदी थी? जी हाँ, कोई गिरीश साहब थे, उन्होंने खरीदी थी। ये लीजिए सर। ये लीजिए, ऊपर ही रखे हुए हैं, विजय सर को दिखाने के लिए ही निकाले थे। ये देखो, ये कार 14 अप्रैल 2004 को बेची गई थी। रघुनाथ जी के गायब होने के ठीक 2 दिन पहले सर। राइट। इसका मतलब है कि इस कार को रघुनाथ जी फैमिली के गायब होने के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मतलब सर, विजय जी ने गाड़ी तक पहुंचने का जो रास्ता चुना है वो जरूर रघुनाथ जी तक जाता होगा। एक काम करते, पहले तो आरटीओ से ये पता करते हैं कि ऐसी किसी कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था या नहीं, और विजय जी के मोबाइल पोजीशनिंग रिकॉर्ड से ये पता करते हैं कि पिछले दिनों वो कहां कहां गया था। हो सकता है इस केस को सॉल्व करने में हमें कोई मदद मिल जाए। सर, ये लैटिट्यूड 345 नॉर्थ और 213 ईस्ट है। सर, एग्जैक्ट वही लोकेशन है जो विजय जी के मोबाइल फोन में स्टोर है। सर, विजय जी इस जंगल में यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ मिल के सकता था। करण, वो जरूर इस केस से जुड़े हुए कुछ सबूत ढूंढने के लिए यहाँ आया। ये भी तो हो सकता है कि वो उस सफेद गाड़ी के पीछे आया हो। लेकिन सर, ये जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है, कई किलोमीटर तक। ऐसे में इस जंगल की कॉम्बिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ, मुश्किल हो सकता है, मगर नामुमकिन भी तो नहीं। दिव्या, ये कितना एरिया छानवा रहा था उसने? सर, यहाँ से 200 मीटर के घेरे में। 200 मीटर? बस फिर फैल जाओ चारों तरफ। सर। हाँ हाँ निखिल सर। हाँ, ये देखिए सर। MS01Y5371। सर, ये तो वही सफेद कार है जो उस गैरेज से बेची गई थी। देखो जरा, गाड़ी साफ करो अच्छी तरह से। अच्छी तरह से साफ करो। सर। हाँ सर, ये गाड़ी इतनी ऊपर खाई से नीचे गिरी कैसे होगी? एक्सीडेंट हुआ होगा। मगर सर, अगर जूही का परिवार इस गाड़ी में था तो इस गाड़ी में कुछ तो होना चाहिए, कंकाल वगैरह। पूरी गाड़ी खाली है सर। सर, 10 साल हो गए, कीड़े सब खा गए होंगे अंदर। हाँ, मगर केविन, कुछ तो मिलता है ना। एक काम करो, एक गाड़ी के अंदर जितने भी धूल मिट्टी है सब इकट्ठा करो। करण, जाकर वैक्यूम क्लीनर लेके आ। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कभी गाड़ी में थे ही नहीं। केविन, ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जितने भी परिवार वाले थे उनकी लाशों को कहीं और फेंक दिया और गाड़ी को यहाँ खाई में लाकर नीचे ढकेल दिया। सर। हाँ। ये देखिए सर, लॉकेट।
सर ये तो जूही की माँ का लॉकेट है। बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट मैंने उन्हें एक फोटो में पहने हुए देखा है। जूही की माँ का लॉकेट? जी। फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जूही के परिवार वालों को इसी गाड़ी में लाया गया और फिर उनकी लाशों को कहीं और ठिकाने लगा दिया और गाड़ी को यहाँ इस खाई में लाके ढकेल दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी सारंगे साहब, कुछ पता चला? अरे यार अभिजीत, ये बात गलत है यार। आते ही धन्य से सवाल कर देते हो। मैं यार आए हो, हाल चाल पूछो, अपने बताओ। मतलब हाल चाल? अरे हाल चाल पूछने वाला था सर। कैसी है तारिका जी? अरे भाई साहब, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ भाई, मेरे भी तो हाल चाल पूछ सकते हो ना यार। आपके? क्यों नहीं आपके हाल चाल कैसे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ये हुई ना बात। अब आओ पूछो। अरे आए हो, हाल चाल पूछो, हाय हेलो करो, काम तो होता ही रहता है, बताएंगे ही ना। अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? ये जो धूल मिट्टी मिली थी कार में से, इसमें से आपको कुछ मिला? हाँ भी जी, इस मिट्टी में से हमें एक नाखून का टुकड़ा मिला और कुछ बाल मिले। उनमें से एक बाल किसी 40 साल की महिला का है और ये नाखून का टुकड़ा किसी 10-12 साल के बच्चे का है और इन दोनों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जरूर ये जूही की माँ और उसके भाई का होगा। और बाकी बाल के टुकड़ों का अभी भी टेस्ट चल रहा है, रिपोर्ट लेने गई है श्रेया। सर पता चला है कि रघुनाथ जी की फैमिली के गायब होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने खास एम्प्लॉई मुकेश को नौकरी से निकाल दिया था। मुकेश? कहीं सबके पीछे इस मुकेश का हाथ तो नहीं? सर जो बाल के टुकड़े टेस्ट के लिए गए थे उनमें से एक बाल का डीएनए मैच हो गया है। किसका? भानु नाम है उसका, अंडरवर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके मर्डर्स करता है और कई मर्डर केसेस भी चल रहे हैं उस पर। भानु? मुकेश तुम्हें पूरा यकीन है ये बाइक वाला आदमी भानु ही है? हाँ सर, सिग्नल तो यही बता रहा है। हाँ। गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। Oh my God! सर, गोली चली यहां से। बताओ भानु कैसे हुआ ये सब? बोलो भानु कैसे हुआ? बोलो भानु। टाइगर पॉइंट पे क्या भानु? भानु ये तो मर चुका है। सर सर इसके मोबाइल में एक अनआइडेंटिफाइड नंबर से मैसेज आया था। एक मिनट, मैसेज? एक काम करो, पता लगाओ कि ये नंबर है किसका। रघुनाथ जी की कंपनी में 20 साल पूरे काम किया हूं मैं। फ्लोर मैनेजर था, प्रोडक्शन लेबर सब मैं ही संभालता था। तो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया मुकेश जी? सच तो ये है कि दोनों पार्टनर्स में यानी कि कुमार साहब और रघुनाथ जी के रिश्तों में दरार आ गई थी। दरार? इस दरार की वजह क्या थी? जी वो कुमार साहब को लगा कि रघुनाथ जी उनके साथ कुछ धोखा कर रहे हैं, चोरी छिपे कुछ डीलिंग्स भी कर लेते हैं। और इसलिए कुमार ने तुम्हें रघुनाथ पर नजर रखने के लिए कहा? जी हाँ, मैं रघुनाथ जी की हर खबर कुमार साहब को देता था। वो किससे मिलते हैं, क्या डील करते हैं, क्या लेन देन है सब। और जब रघुनाथ ने तुम्हें पकड़ लिया ये सब करते हुए तो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया। जी हाँ। और उसके ठीक एक साल बाद में कुमार जी और रघुनाथ जी ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी।
जी हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, वैसे इंस्पेक्टर विजय क्या जानना चाहते थे तुमसे? जी वो कुमार साहब के एक्सीडेंट के बारे में पूछने आए थे, जिनमें उनकी बच्ची और बीवी भी चली गई थी। और इंस्पेक्टर विजय को ऐसे लगता था कि ये एक्सीडेंट ही बल्कि एक मर्डर है। और जब पार्टनरशिप रही नहीं तो मर्डर की भी बात नहीं आती? जी, दोनों पार्टनर अलग भी इस तरह हुए जैसे रजामंदी नहीं थी, और फिर दोनों एक ही बिजनेस में कंपटीशन करने लगे, और वो भी इस तरह के जैसे एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, कुमार साहब की मौत के बाद सबसे ज्यादा तरक्की और फायदा रघुनाथ सेठ को हुआ। कुमार की मौत का सबसे ज्यादा फायदा हुआ रघुनाथ को, सबसे ज्यादा फायदा। इस कुमार फैमिली के एक्सीडेंट के सारे डिटेल्स निकालो, देखे तो सही कि क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर। सर, आपको क्या लगता है कुमार की फैमिली की मौत के पीछे क्या रघुनाथ का हाथ था? कविन, रघुनाथ को बिजनेस में कुमार से फायदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि रघुनाथ ने कुमार को मारा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या पता चला एक्सीडेंट के बारे में? सर, मिस्टर कुमार हर रोज की तरह ऑफिस से घर पहुंचे, घर से वो लोग एक रिसोर्ट के लिए निकले। उनकी पत्नी ने एक सरप्राइज वेकेशन प्लान किया था, क्योंकि अगले दिन मिस्टर कुमार का बर्थडे था। वो लोग उसी रिसोर्ट में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। जब ये जा रहे थे, इनका बच्चा भी इनके साथ में था, और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जहाँ एक पल खुशियाँ थीं, अगले ही पल मातम छा गया। सर, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा? गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो गया। मिस्टर कुमार की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, वो गाड़ी को काबू में नहीं कर पाए और गाड़ी लुढ़कते लुढ़कते खाई में जा गिरी। कार के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए, अचानक, बड़ी अजीब बात है। सर, गाड़ी बिल्कुल नहीं थी, मिस्टर कुमार ने एक हफ्ते पहले वो गाड़ी खरीदी थी, तो ब्रेक फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, वही तो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमार की ही फैमिली के किसी मेंबर ने रघुनाथ की फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। कुमार परिवार की मौत के 20 साल बाद कौन बदला लेना चाहता है? जहां पर एक्सीडेंट हुआ, वहां पर मिस्टर एंड मिसेस कुमार की लाश मिली थी, बच्चे की लाश नहीं मिली है ना। एक मिनट, क्या हुआ सर? गाड़ी घुमा लो। काविन, पता चल गया ये खूनी कौन है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ 42 माइलस्टोन के पास। अब क्या करना है? क्या पुल के नीचे 42 माइलस्टोन की तरफ? अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ आप किधर आना है? ये लेफ्ट राइट क्या लगा रखा है, पागल समझ रखा है क्या? हेलो, मुझे क्या पागल समझा है क्या? कब से इधर उधर घुमा रही है? चुपचाप सामने आ जा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। इधर मेरा मुंह खुला और तुम जेल के अंदर, इसलिए जल्दी से सामने आ और मुझे मेरा रोकड़ा दे, ताकि मैं जाऊं यहां से। मैं जा रहा हूं। घबराओ मत अनुज, तुम्हारा पैसा पेड़ के पीछे रखा है। अरे वाह, क्या तकदीर है मेरी, तो जैसे सोने के अंडा देने वाली 2-3 ओवर मुर्गियां मिल जाए तो लाइफ सेट। कहो तुम? तुम मेरी चिंता मत करो अनुज, वादे के मुताबिक ये तुम्हारी आखिरी पेमेंट है।
अरे बेवकूफ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भी छोड़ता है कोई? अनुज भूलो मत, तुमने वादा किया था। अरे एक ब्लैकमेलर की बात पे तुमने यकीन कर लिया? चलो थैंक यू। ये क्या कर रहे हो जोई तुम? तुम क्या समझते हो अनुज, तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? हमसे उस्तादी बहुत भारी पड़ेगा तुमको। शट अप, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। सोचो अनुज, अगर मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डलवा दूं, तो यहां तो किसी को इस बात की हवा तक नहीं होगी। जैसा तुमने अपनी फैमिली के साथ किया था। एक बात याद रखना, जो आदमी शर्ट सिलवाता है वो उसके अंदर बटन की जगह भी छोड़ता है। अगर मैं मरा तो मेरा एक पैकेट CID को पहुंच जाएगा और फिर तेरा डम डम डिगा डिगा। जस्ट शट अप, तू क्या समझता है? तू झूठ बोलता रहेगा और मैं मानती रहूंगी। तू जैसा लालची इंसान अपने नुकसान के लिए कुछ नहीं करेगा। ये क्या है? ये जुई ट्रिगर दब जाएगा, इसको नीचे कर। जुई तमंचे को नीचे कर प्लीज, इसको अंदर डालो, ट्रिगर दब जाएगा। जुई सीपी सर, आप तो आखिर आपको पता चल ही गया। खिलौना तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लगता। अपने लोगों को कह दो चुपचाप हमारे हवाले हो जाए। देख क्या रहे हो, भून दो एसीपी को। नहीं सर, मैं छोटा मोटा ब्लैक मेल हूं सर। देखो इस प्यारी बिटिया को, जिसने अपने माता पिता का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने अपने माता पिता को? वो मेरे माता पिता नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया था। मेरे असली पापा मिस्टर कुमार थे, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई, और वो एक्सीडेंट रघुनाथ ने करवाया था। और अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए तुमने रघुनाथ और उसकी बीवी को मारने का प्लान बनाया, और उसके लिए तुमने भानु को पैसे भी दिए, है ना? हाँ, और भानु ने उस काम को पूरा अंजाम दिया। उसके बाद तुमने भानु के हाथों विजय जी को मरवा दिया, और फिर भानु को भी अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। सारे इल्जाम अनुज पर आ जाए, है ना? और अनुज, तुम जूही के घर पे रघुनाथ जी की हैट रख के तुमने एक बंद केस को खोल दिया। चोर चोर मौसेरे भाई, वाह रे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, उसका आखिरी ठिकाना तो जेल की चार दीवारी में भी होता है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.